सर्व बहुजन बंधु भगिनींना विनंती आहे, त्यांनी वर या ठिकाणी सभागृहाच्या बाल्कनीमध्ये बसण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी यावं आणि सर्वांनी शांततेचं सहकार्य करावं। सामाजिक जाण आणि भान असलेलं व्यक्तिमत्व डॉक्टर ज्योतिताई खेडेकर। यानंतर ज्यांच्या विचारांची सुदोरी आम्हा सर्वांना मिळणार आहे असे हफीज मुजाहिद कुरेशी हे देखील आजच्या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم। आज के हमारे प्रोग्राम के उद्घाटक माननीय नितिन सावंत साहब, विशेष अतिथि माननीय अड़ुभाई खरात, राजेश गवई साहब और स्टेज पर बैठे हुए हमारे तमाम भाई और मेरे सामने बैठे हुए हमारे तमाम देशवासी, आज का ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संबंधन में जो रखा गया है, ये बड़ी खुशी की बात है और हमें यहाँ पर कुछ कहने का मौका भी दिया गया है, मैं इस पर इनका शुक्रगुजार हूँ। भाई और बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने आपके सामने पवित्र कुरान की एक आयत पढ़ी है जिसमें हम सब के पैदा करने वाले मालिक का एक संदेश है कि ऐ इंसानों, हमने तुम सबको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो, तुम में जो बिरादरियां बनाई हैं, तुम्हारी जो जातें बनाई हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, तुम में कोई बड़ा नहीं है, तुम में कोई छोटा नहीं है, तुम में सबसे सर्वोत्तम सबसे ऊंचा वो है जो अपने मालिक का भय, अपने मालिक का डर अपने दिल के अंदर पालता है। हम सब भारत के वासी हैं, भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, ये दुनिया का एक अकेला देश है कि जिसमें सबसे ज़्यादा अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले, अलग अलग जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े प्रेम और भाईचारे के साथ इस देश में रहते हैं, इसलिए देश को हम गुलदस्ता भी कहते हैं। ये जो गुलदस्ता है इसके अंदर अलग अलग प्रकार के अगर फूल ना हों, अलग अलग प्रकार के अंदर खुशबुएं ना हों, इसे कोई गुलदस्ता नहीं कह सकता है। इसलिए भारत के अंदर ये इस देश की खूबसूरती है कि अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग हज़ारों सालों से बड़े प्रेम मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए और बनाने के लिए इस भारत का खूबसूरत संविधान है, इस भारत का दस्तूर है। उसी दस्तूर को बचाने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कोशिशें की जाती है। आज से 2-3 साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के सभी देशवासियों को साथ में लेकर एक अभियान चलाया था, दीन बचाओ दस्तूर बचाओ, यानी भारत का संविधान बचाओ और जो अपने मज़हब पर यहाँ रहते हैं, हमारे जो इस मुल्क में, हमारे भारत के संविधान में यहाँ के रहने वालों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हर एक को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है, अपने मज़हब के मुताबिक जीने की आज़ादी है, अपने मज़हब के मुताबिक अपने मज़हब का धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी है। आज़ादी एक अजीम नेमत होती है, एक इंसानों के लिए खुदा की देन होती है, उस आज़ादी को बचा कर रखने की भी कोशिश करना आज़ाद लोगों की जिम्मेदारी होती है। आज भारत के संविधान को खतरा लाहक है, उसको बदलने की कोशिशें की जा रही है, इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र के नाम पर बनाने की कोशिशें की जा रही है। भारत के इस खूबसूरत संविधान को बदलने के लिए आए दिन
शीशेदारी है, उसी के लिए यहाँ पर हमारे गौरी साहब ने हम सबको यहाँ बुलाया है कि हम सब मिलकर एकजुट होकर अपने भारत के संविधान को बचाने के लिए कोशिशें करें, जागरूक रहें और सब एक साथ मिलकर अपने हुकूक की लड़ाई भी हम लड़ें। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों की भी हमें कद्र करनी चाहिए जो लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। अभी सावंत साहब ने हमारे भारत देश के, खासतौर से हमारे महाराष्ट्र को ये इम्तियाज़ हासिल है कि महाराष्ट्र में जितने संत सूफी पैदा हुए हैं और जिन्होंने एक कल्चर, एक समाज को जीने का जो ढंग और रास्ता दिया है, एक रास्ता बतलाया है, ये हमारे महाराष्ट्र की खसूसियत है, उसको एक शान हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि जो जगाने का काम करते हैं उनकी भी कद्र करनी चाहिए। यह और बात है कि जगाने वालों को इतिहास में बहुत बड़ा मकाम नहीं दिया जाता, उनको बहुत ज़्यादा याद नहीं किया जाता, लेकिन काम करने वाले अपना काम कर जाते हैं। इसको मैं छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक जगह बहुत बड़ी आग लगी, एक छोटी सी चिमनी एक चिड़िया उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही। किसी ने चिड़िया से पूछा कि इतनी बड़ी आग को तेरे पानी कितनी से बूंद कैसे बुझा सकती है। उस चिड़िया ने कहा कि इस बात को मैं भी जानती हूं कि इतनी बड़ी आग मेरे पानी कितनी बूंद से बुझने वाली नहीं है, लेकिन इतिहास का लिखने वाला जब इतिहास लिखेगा तो ये जरूर लिखेगा कि मैं आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। भाई और बहनों, इस देश को एक आग में झोंका जा रहा। हम देखे के हमारा अपना भारत बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ाद हुआ है। हजारों जानें इस देश के आज़ाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने दी है। एक खूबसूरत ख्वाब हमारे भारतवासियों ने, हमारे पुरखों ने देखा था, उसके लिए हजारों कुर्बानियां देकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। फिर इस मुल्क की आज़ादी के बाद इस मुल्क के लोग, यहाँ के रहने वाले सभी समाज के लोग प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ, बंधुता के साथ, समता के साथ इस देश में रहे, उसके लिए खूबसूरत कानून बनाया जो हमारे भारत का संविधान है। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि कानून चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर कानून अच्छे हाथों में ना हो तो फिर उस कानून की कोई अहमियत नहीं रहती। हमारे भारत का कानून, दुनिया के लोग कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा कानून अगर कोई है, दस्तूर का अगर कोई है, संविधान अगर कोई है, वो भारत का दस्तूर है। अब उसी दस्तूर को बदलने की कोशिशें की जा रही है, उस दस्तूर की जगह कोई दूसरा कानून और संविधान लाया जा रहा है जिसमें यहाँ के लोगों को माइनॉरिटीज के हकूक मारे जाए, और कानून के होते हुए कानून की जो दस्तूर की संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और इतने बड़े मुल्क में 1,35,00,000 की आबादी वाला मुल्क, उसमें मूल निवासी सबसे ज़्यादा है, दस्तूर के मानने वाले सबसे ज़्यादा है, दस्तूर के होते हुए आज दस्तूर की कोई अहमियत बाकी नहीं रखी गई है। जुल्म और अत्याचार किया जा रहा, CNRC के नाम पर कानून को बदलने की कोशिश की जा रही है। कल मुस्लिम समुदाय को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो उनके हुकूक दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए, उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। कई नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है। मेवात और नूह के अंदर 1200 घर बुलडोजर के जरिए, यूपी में कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, लेकिन गुंडागर्दी चल रही है, बुलडोजर के जरिए हजारों घरों को तोड़ दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री लाल किले से बार बार कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज हमारा अपना मुल्क भारत सबसे ज्यादा बेटियों के बारे में, बहनों और माताओं के बारे में महफूज नहीं है। हर जगह बलात्कार की वारदातें हैं, और अफसोस की बात यह है और गौर करने की बात यह है मेरे भारत के देशवासियों के, भारत के इस दस्तूर के होते हुए, संविधान के होते हुए, ऐसे जालिमों को, अत्याचारियों को मालाएं पहनाई जा रही। बिल्कीज बानों के मुजरिमों के साथ क्या किया गया। अभी परसों के दिन गोरखपुर के करीब 3 किलोमीटर एक छोटी सी बच्ची का रेप किया गया, क्योंकि वो माइनॉरिटीज की बच्ची थी, रेप करने वाला ऊंची जात का था, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बच्ची का मर्डर कर दिया गया। ऐसी हजारों वारदातें आज हमारे अपने देश में होती है। इस ऐसे दौर में, ऐसे जमाने में हम अपने संविधान के होते हुए जी रहे हैं। अब ऐसे में जरूरत है कि हम जागें,
अपने संविधान को बचाएं और एक आज़ादी की जो ज़िंदगी होती है वह कैसे जी जाती है उसके जीने के लिए संघर्ष भी करें, कोशिश भी करें, जद्दोजहद भी करें। एक और बात मेरे जिस भाई, हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, एक इंसान के जीवन का जो उद्देश्य है वो उसको मालूम हो। अभी हम इस मौके पर ये बात कह सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, भारत चांद पर पहुंच चुका है, उसके लिए आप तालियां बजाइए। ये साइंस की तरक्की, हम दुआ करते हैं मालिक से कि हमारा देश और तरक्की करे, लेकिन एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि हम चांद पर जाए और सितारों और सैयारों पर जाए, लेकिन जमीन पर रहने का तरीका भी हमें आना चाहिए। धरती पर कैसे जीना है, कैसे लोगों से व्यवहार करने हैं, किस तरीके से अपने जीवन को गुजारना है, ये भी इस देश के वासियों को सीखना है और ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाना है। ऐसे विचार और प्रचार और प्रसार की जरूरत है जिसकी वजह से कि इंसानियत को इंसानियत का दर्श मिले। भाई और बहनों, अत्याचार और जुल्म इस भारत में आए दिन होता है। हम देखते हैं मासूम इंसान है, रास्ते से जा रहा है, मार दिया जाता है, लोग तमाशा देखते हैं और हम सोचते हैं कि किसी और के साथ हुआ है। अभी सावंत साहब ने आपको एक बहुत अच्छी बात कही कि घर में आग लगी है, लोग देख रहे हैं कि किसी और घर में आग लगी है, किसी और का घर जल रहा है, हमें उसकी क्या जरूरत है, लेकिन वो आग हमारे घर पर भी आएगी, वो आग हमें भी जलाएगी। इसलिए इतना इंतजार मत कीजिए। किसी और पर अगर अत्याचार हो रहा है, किसी और पर जुल्म हो रहा है, तो ये हिंदू मुस्लिम ये कहकर आज जो एक माहौल बनाया गया है इस देश के अंदर, लोगों को जो बांटा जा रहा है, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम सब भारतवासी हैं, जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम सब खड़े हों और संविधान को बचाने के लिए, और इस देश की जो पहचान है, इस देश का जो भाईचारा है, जो प्रेम है, इसको बचाने के लिए हम आगे आए और एक दूसरे का साथ देकर हम एक संविधान को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए भी, क्योंकि संविधान रहेगा तो देश रहेगा, संविधान खत्म होगा तो देश भी खत्म हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इस देश में अत्याचार सभी के साथ हुआ है। अभी पिछले दिनों दो वीडियोज आई थी, एक वीडियोज का जिक्र तो सर ने किया है सावंत साहब कि छोटे छोटे बच्चों में कैसी नफरत भरी जा रही है। एक टीचर अपने ही बच्चों के जरिए एक मासूम बच्चे को थप्पड़ मारने लगा दे, वो मुस्लिम है और इनको हिंदू बताकर। वो छोटे छोटे बच्चे जो कल के बड़े वैज्ञानिक बनेंगे, जो इस देश का नाम रोशन करेंगे, उनके दिल दिमाग में अगर ये नफरतें भरी जाएगी तो वो कभी भी देश के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं बन सकते, वो शाहू महाराज नहीं बन सकते, वो ज्योतिबा फुले नहीं बन सकते। आज हमें जरूरत है कि हम अच्छे अपने बच्चों को अच्छे विचार दें, उन्हें प्रेम भाईचारा और मोहब्बत सिखाए। अभी कुछ दिनों पहले एक और वीडियो आई थी, एक आदिवासी भाई, उसके मुंह में पेशाब किया जा रहा है। किस तरफ ये देश जा रहा है? किसी एक भाई को वो अगर छोटी जाति का समझा जाता है तो उसको थूक चाटने पर मजबूर किया जाता है। और अफसोस ये होता है कि इतना बड़ा देश, इतने ज्ञानी लोग खामोश तमाशाई बने बैठे रहते हैं। इतना बड़ा देश, चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आज देश है, वो अलग विचारों के साथ इस देश को चला रहे हैं, और इतने बड़े देशवासी, इतना अच्छा कानून और संविधान होने के बाद अगर खामोश तमाशाई बने रहते हैं तो मेरे भाई और बहनों, यही गति हमारी होगी। इसी तरह ये देश जो है पीछे चलता चला जाएगा। इसलिए हमें आवाजें निकालने की जरूरत है। हम ये कह सकते हैं कि इधर आ सितमगढ़ हुनर आजमाएं, इधर आ सितमगढ़ हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। ऐसे जिगर रखने वालों की जरूरत है जो इस देश की खातिर, इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बचाने के लिए, इस देश के प्रेम और मोहब्बत के इस माहौल को बनाने के लिए आगे बढ़कर गया है। हर कोई अगर अपने घर में बैठा रहेगा और सोचता रहेगा कि किसी और के साथ ये सब कुछ हो रहा है, हमें क्या जरूरत है। कोई बात कही जाती है, रोटी कपड़ा मकान बीवी बच्चे दुकान, मेरी रोटी मेरा कपड़ा मेरा मकान, मेरी बीवी मेरे बच्चे और मेरी दुकान, देखो किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर ये विचारों के साथ हम जीवन गुजारेंगे
तो बड़ा भयानक दौर इस देशवासियों के सरों पर मंडला रहा है और सभी को उसकी जद में आना पड़ेगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए भाई और बहनों, हम आगे आए और इस देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, और जो यहाँ नाबराबरी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, इस देश के प्रेम भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, खूबसूरत संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए हम सब खड़े। आज़ादी की बात मैंने कही थी, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है। हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, उनके कार्यकाल में उनके गवर्नर ने इंसाफ क्या होता है, अदल क्या होता है, और इंसाफ को कायम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसाफ नहीं होगा, अदल नहीं होगा, तो उसकी जुल्म जगह अत्याचार और जुल्म होगा, और जहाँ जुल्म और अत्याचार होता है, चाहे फिर वो घर हो, वो स्टेट हो, वो देश हो, वो बहुत ज़्यादा बाकी नहीं रहता। तो हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, उनके कार्यकाल में उनके गवर्नर ने एक आम आदमी के बच्चे को कोड़ा मार दिया। उस बच्चे के पिता ने उस गवर्नर के पास जाकर ये कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को कोड़ा मारा, मुझे इंसाफ दिलाइए। लेकिन चूंकि वो गवर्नर थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उस आम आदमी ने इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर को खत लिखा कि आपके गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे पर अत्याचार किया, जुल्म किया। हजरत उमर ने उन्होंने मदीना को बुलाया और सारी कार्रवाई की। अजय मालूम हुआ कि इनके बच्चे ने, मासूम बच्चे पर जुल्म किया, उसको एक गुरूर था कि मैं गवर्नर का बेटा हूँ, सत्ता मेरे बाप के हाथ में, जैसे आज की सत्ताधारी कुछ भी कर लो, साहब का फोन आ जाएगा, हम छुड़िया लेंगे, कानून वगैरह हमारे सर के ऊपर। लेकिन इंसाफ को कायम करना क्या होता है ज़मीन पर, अदल क्या होता है? हजरत उमर ने उस मासूम बेटे बच्चे से कहा कि कोड़ा लो और ये गवर्नर को मारो। गवर्नर का साहब, मेरा क्या कसूर है, मेरे बच्चे ने ये जुर्म किया है। हजरत उमर ने उनसे कहा कि जुर्म यकीनन तुम्हारे बच्चे ने किया है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चे की इस गलती पर उसको सजा देते, क्योंकि तुमने उसको सजा नहीं दी, इसलिए तुम भी मुजरिम है, और इंसाफ उसी वक्त होगा जब ये बच्चा तुमको कोड़ा मारे। ये होता है इंसाफ, ये होती है आज़ादी। फिर उसी वक्त हजरत उमर ने जुमला कहा जो तारीख के सुनहरे अरफों में लिखने के काबिल है और बहुत अहम है इस मौके पर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने संविधान में उसको रखा है, और यही फंडामेंटल राइट्स का हमारा हिस्सा है। उन्होंने कहा था कि लोगों, तुम्हारी माओ ने तुमको आज़ाद पैदा किया है, तुमने कब से लोगों को अपना गुलाम बना लिया है, गुलामी कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए आज़ाद रहिए, आज़ाद सोच के साथ ज़िंदगी गुजारिए, आज़ादी की ज़िंदगी जिए और आज़ादी के लिए संघर्ष कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का क्या पैगाम, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई, इन्होंने अपने अपने ज़माने में जो संघर्ष किया है, जिस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, आज़ादी की खातिर, ये तो जुल्म ही था, लोगों के हकूक छीने गए थे, उनके फंडामेंटल राइट्स छीने गए थे, किसी को पानी भरने की इजाज़त नहीं थी, किसी को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कोई अगर सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाता था, किसी ऊंची जात वाले को किसी का धक्का लग जाए उसका हाथ काट दिया जाता था, इससे बढ़कर जुल्म और क्या था। तो इंसान को इंसानियत का दर्स और सबक, ये इंसानों की बड़ी तालीम है। लिहाजा आइए इस मौके पर, यहाँ पर चंद बातें कहने का मुझको मौका दिया गया है, मैं आभारी हूँ। चंद शेर कहकर मैं अपनी बात करता हूँ कि ये शहर नारसाई है, ये शहर नारसाई है, यहाँ दस्तूर गोयाई नहीं है, यहाँ लब खोलना भी जुर्म है, यहाँ पर जब कभी आओ खामोशी का इरादा बांध कर आओ। ये देश अगर मुक्कों का देश बन जाएगा तो बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा, आवाजें निकालनी पड़ेगी, कोशिशें करनी पड़ेगी। एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात खत्म करता, झूठ और सच, और देश में ही कुछ चल रहा है, देश को बहुत सारी समस्याएं इस वक्त, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। मीडिया का हाल आपके सामने, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बस लोग लगे हुए हैं, महंगाई है, एजुकेशन का मसला है, सेहत का मसला है, सफाई का मसला है, गुर्बत का मसला है, रोजगार का मसला, देश को बड़ी बड़ी समस्याएं है। लेकिन कहानी यह है कि एक शख्स ने बाजार से बकरी का बच्चा खरीदा, तो तीन दोस्तों ने देखा कि एक बकरी का बच्चा हमें हासिल करना है, हमको लेना है, तो इसके जहन में फुतूर डाल दो, इसका दिमाग भटका दो, तो थोड़ी थोड़ी दूर के फासले में उसको बोले कुत्ते का बच्चा है। एक बार काका जी क्या लिए, बोले बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है। वो
उसको देखता, कभी उसको देखता, बच्चा ऐसे पागल बातें कर, थोड़ी दूर हो जाते तो एक और मिला, बोले काका जी क्या जी, बोले बकरी का बच्चा, पागल हो गए, तुम कुत्ते का बच्चा है वो। उसके दिल में और शक आ गया, फिर उसको देखा। अब तीसरे पर वो खड़ा था एक और होशियार, ये हमारे देश में चल रहा है। उसने और बोला काका जी कुत्ते का बच्चा कहा, बोला बकरी का आएगा कुत्ते का, छोड़ो बोले। यही बकरी और कुत्ते का बच्चा हमारी मीडिया इस देश में कर रही है। सच्चाई कुछ और है और झूठ के इस कहानी के जरिए से पूरे देशवासियों की नजर किसी और तरफ लगा दी गई है। लिहाजा